हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। सनफ्लावर ये एक Z5 ओरिजिनल सीरीज है जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। मुझे पहले लगा था कि ये मूवी है, बट ये मूवी नहीं है, एक वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड इसके 36 मिनट से लेके 45 मिनट्स के बीच में ये, और शो की कहानी सेट है मुंबई में, जहाँ पर सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी में एक बंदे राज कपूर का हो जाता है मर्डर। अब वो मर्डर उसके नेबर्स ने ही किए, लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे दूसरे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फिर कैसे पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको भाई ये शो ही देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा डार्क कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री वाला शो है जो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बांधे रखेगा। और जो आइडिया है वो आइडिया ही मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से शो को एग्जीक्यूट किया ना वो काफ़ी ऑसम है। और इस शो में जो एक हाउसिंग सोसाइटी बताई है, जो कैरेक्टर्स बताए ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी बिल्डिंग में रहते हो या इसी तरह की सोसाइटी में रहते हो तो आप लोग फील करोगे कि हाँ यार, इस तरह के कैरेक्टर हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और वो एक चीज़ इस शो को और भी ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है। उसके अलावा शो में जिस तरीके से डायलॉग्स का यूज़ किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट किया, उस सिचुएशन में जो इंटरेक्शन होता है, जो लोग बात करते, तो उसमें वो जो कॉमेडी निकाले ना उन लोगों ने, और यार जिसने भी इसके डायलॉग्स लिखा है ना, बहुत ही फनी है। फनी मतलब इन अ सेंस, आप लोग उन डायलॉग्स को किस तरह से लेते हो, कुछ लोगों को हंसी आएगी, कुछ लोगों को हंसी नहीं आएगी। और मुझे तो इस शो में बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और थ्रू आउट द शो काफी एंगेजिंग फील कर रहा था। ऑल दो शो को थोड़ा बीच में लोगों ने ड्रैग किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच रहे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो चीज़ आपको पूरे शो में बांधी रखती है। शो की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने हर एक सीन को शूट किया है। BGM आउटस्टैंडिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तो भाई जितनी तारीफ करो कम है। यार एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार दिस इज वन ऑफ अ काइंड सीरीज जहाँ पर आपको हर एक ऑलमोस्ट एक्टर्स देखने को मिलेंगे। कोई भी यहाँ पर फालतू के लोग नहीं है, मतलब जो कमर्शियली एक्टर्स होते हैं ना वो नहीं है, यहाँ पर लिटरली एक्टर्स है जिन लोगों ने अपने हिस्से को रोल को हिस्सा घोल के पिया है ना यार। और सुनील ग्रोवर की तो जितनी तारीफ करे कम है, लेकिन सिर्फ सुनील ग्रोवर की तारीफ करो तो वो बेईमानी होगा। यहाँ पर जितने भी हो, चाहे वो रणवीर शौरी हो, आशीष विद्यार्थी हो, और वो एक मराठी एक्टर है जो हमने दंगल में देखा था, वो हो, यानी कि ईच एंड एवरी वन हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। मज़ा आ जाता है यार। और हमारे चड्डा साहब, जिनकी आपने एक सीरीज देखी कि नहीं मुझे नहीं पता, हॉटस्टार पर, उनका भी काम यार बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। और ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन हाँ, अब जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई ये शो को इजीली आप लोग Season 1 में कंप्लीट कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको रबड़ की तरह खींचने की, इसका Season 2 लाने की। अगर आपको इतना ही था तो भाई इसके 5 एपिसोड्स और ला देते और उसको 13 एपिसोड की सीरीज कर देते तो क्या जाता है यार। मतलब आप लोगों ने इसको Season 2 पे डालाना, तो वो थोड़ा मुझे रेटिंग लगा। और आज की तारीख में हर सीरीज़ वाले यही चीज़ कर रहे हैं भाई, Season 1, Season 2, Season 3, तो यार ऑडियंस का जो एक इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करो, उस चीज़ को लंबा मत खींचो यार। Z5 वाले हो, नेटफ्लिक्स वाले हो या अमेजॉन वाले हो, उनको ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी यार। उसको या तो Season 1 में ख़त्म करो। ये कोई ऐसी कहानी भी नहीं है जिसको हम लोग इतना ज़्यादा खींच सकते थे, लिटरली इसको इतना खींचने वाली बात थी नहीं। अगर कोई मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज होती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन यार ये शो को Season 2 तक खींचना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी बैड वर्ड्स यूज़ किए गए, और कुछ एडल्ट सीन है, कुछ है, मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम कुछ है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ मत देखना। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 9 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई देखता नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देन आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर शो को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस बाय।